ईयर्स टू 10 ईयर्स तक आपको मिल जाएगा सेगमेंट में, मतलब सबसे छोटे बच्चों के लिए 2500 तो इसको 5500 से स्टार्टिंग प्राइस है टीनेज सेगमेंट में। तो गाइज ये देख सकते हो, ये थोड़ा यूनिक टाइप का इसका हैंडल वगैरह, मतलब नॉर्मल तो ऐसा रहता है बट इसका बैंड है थोड़ा, एंड ये रोड बाइक है गाइज। इलेक्ट्रिक साइकिल में मतलब ऐसे तो जाएगा एक्सीलेट करने से, बट अगर बैटरी वगैरह ख़त्म हो गया तो यहाँ पे पेडलिंग भी है, तो पेडलिंग। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड एंड स्वागत है आपका और एक नए एपिसोड पे। तो पहले बात करते हैं भाई, चश्मा मैंने इसलिए पहना है ताकि आई फ्लू हो गया था, तो बहुत लोग कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि स्टाइल मार के ब्लॉग कर रहे, तो ऐसा नहीं है भाई, ये आई फ्लू के कारण मैंने ये चश्मा पहना है। तो वो सब छोड़ दें, एंड आपने एक ब्लॉग देखा था मेरा चैनल पे जब मैंने साइकिल पे बनाया था, मतलब मॉडर्न बाइक्स वाला पे जाके साइकिल का ब्लॉग लाया था, तो उसमें अभी फ़िलहाल पहले तो बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया था, अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैंने सोचा कि और एक इसका पार्ट बना दिया जाए। मतलब आज हम लोग मॉडर्न साइकिल्स पे नहीं है, आज हम लोग है हीरो के साइकिल पे, जो कि बहुत ही जाना माना कंपनी है हीरो, एंड उसके आज साइकिल के शोरूम में है, एंड आपको दिखाते हैं अगर आप साइकिल वगैरह लेना चाहते हैं तो आपको कितना से कितना प्राइस तक पड़ सकता है हीरो के शोरूम में, एंड सारा टाइप का यहाँ पे मिलेगा आपको। अगर किड्स के लिए लेना है तो किड्स का भी मिल जाएगा, मिडिल एज के लिए भी लेना है तो उन लोगों के लिए भी मिल जाएगा, एंड एडल्ट लोग के लिए भी मिल जाएगा। एंड ऑलरेडी यहाँ पे अभी फिलहाल डिस्काउंट वगैरह चल रहा है, तो मैंने सोचा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर लिया जाए, एंड इलेक्ट्रिक साइकिल्स वगैरह भी अवेलेबल है, तो चलते एक एक करके दिखाते हैं। पहले यहाँ पे चेकआउट कर लो, ये है किड्स सेगमेंट, तो किड्स सेगमेंट में देख सकते हो अभी फ़िलहाल बहुत ज़्यादा स्टॉक्स वगैरह है किड्स सेगमेंट में, देख सकते हो ऊपर जो जो है, एंड ये किड्स लोग के लिए है, एंड यहाँ पे गर्ल्स बॉयज़ बोथ के लिए मिल जाएगा साइकिल वगैरह। अगर आप सोच रहे हो साइकिल वगैरह लेने के लिए तो गाइस ये ब्लॉग को पूरा देखना, ये देख सकते हो हीरो स्प्रिंट, तो बहुत सारा स्टॉक्स वगैरह है, एंड यहाँ पे हर टाइप का साइकिल वगैरह मिलेगा, एंड सर्विसिंग वगैरह यहाँ पे हो जाएगा, देख सकते हो सर्विसिंग का सामान वगैरह यहाँ पे है, तो टेंशन लेने का दरकार नहीं है, यही शोरूम में आपको सर्विसिंग वगैरह मिल जाएगा आप अगर लेते हो यहाँ से। तो अभी फ़िलहाल बहुत सारा स्टॉक है, एक एक करके दिखाते हैं, एंड प्राइस वगैरह बताते हैं कि क्या रहने वाला है प्राइस वगैरह, तो वीडियो को पूरा देखना, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके रखना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि ऐसा ब्लॉग कैसा लगता है आपको। तो चलते हैं ब्लॉग को शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग दिखाते हैं, यहाँ पे एसेसरीज वगैरह भी मिल जाएगा आप लोगों को, गार्ड वगैरह चाहिए, हेलमेट वगैरह चाहिए, मतलब साइकिल के रिलेटेड जो जो मतलब एसेसरीज चाहिए वो सारा मिल जाएगा आप लोगों को, एंड लोकेशन वगैरह जो रहेगा वो सारा डिस्क्रिप्शन लिंक में रहेगा, तो चेकआउट कर लेना एक बार। फिर भी एक बार बोल देता हूँ, आप बी बोरुआ कॉलेज जो गुवाहाटी में, तो बी बोरुआ कॉलेज से मतलब अगर आप उल्लूबाड़ी के साइड से आते हो तो बी बोरुआ कॉलेज से 50 मीटर्स का दूरी में है, एंड एम के टावर बोल के एक, तो उसमें ही आपको फर्स्ट फ्लोर में मिल जाएगा हीरो का साइकिल ये वाला शोरूम, एंड अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मैप का लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लो, या फिर हीरो साइकिल्स मार लो, यहाँ पे आ जाएगा लोकेशन वगैरह गूगल मैप पे। तो चलते हैं एंड वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स गाइस, अभी फिलहाल स्टार्टिंग प्राइस करते हैं, मतलब किड्स सेगमेंट में अगर हम लोग आते हैं, अगर किड्स वगैरह के लिए आपको चाहिए साइकिल वगैरह तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। स्टार्टिंग प्राइस क्या होगा भैया? 4500। कौन सा साइकिल? ये वाला। तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ये 4925 रुपीस है, बट डिस्काउंट होने के बाद 500 हो जाएगा, तो 4500 स्टार्टिंग प्राइस है किड्स सेगमेंट में, यहाँ पे देख सकते हो, एंड ये सारा प्राइस वगैरह देख सकते हो, डिस्काउंट हो जाएगा फिलहाल, ये बस MRP दिया हुआ है, डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा, एंड ये कितना से कितना एज तक मिल जाएगा ये वाला? ये 2500 से, तो 2500 में ये मिल जाएगा आपको, M-Star का देख सकते हो, छोटे छोटे बच्चे लोग के लिए है, तो वो 2500 से स्टार्टिंग प्राइस है, 3 साल का बच्चे से मिल जाएगा ना, और पूरा मतलब किड्स में कितना तक रहेगा लिमिट? 12 साइज से लेकर 20 साइज तक,
मतलब थ्री इयर्स टू 10 इयर्स तक आपको मिल जाएगा किड सेगमेंट में, मतलब सबसे छोटे बच्चों के लिए 2500 पे स्टार्टिंग प्राइस है। यहाँ पे इसका प्राइस दिखा देते हैं, 4670 रुपीज़ इसमें डिस्काउंट हो जाएगा ये वाला। तो ये टीनेज का है, तो मतलब आपको 5500 से हीरो का देख सकते हो, 5500 से स्टार्टिंग प्राइस है किड सेगमेंट टीनेज सेगमेंट में, एंड विदाउट गेयरलेस नॉन गेयर मिलेगा आप लोगों को, एंड आपको डिस्क मिलेगा, एक बैक साइड में भी डिस्क है, डुअल डिस्क मिलेगा इसमें ना, फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा देख सकते हो, एंड मतलब वारंटी कितना साल का रहता है इसे? दो साल का रहता है, तो दो साल का वारंटी रहेगा, एंड सर्विसिंग वगैरह सब यहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगा देख सकते हो, फ्री सर्विसिंग रहेगा। कितना सर्विसिंग होता है टोटल? फ्री सर्विसिंग एक रहेगा, बाकी आपको चार्जेस वगैरह देना पड़ेगा। तो देख ही सकते हो यहाँ पे बहुत सारा साइकिल्स वगैरह, इस प्राइस वगैरह दिखा देते हैं आपको, हीरो का 8900 ये डिस्काउंट हो जाएगा, सारा डिस्काउंट हो जाएगा। यहाँ पे 10375 रुपीज़ गियर साइकिल, तो ये सारा गियर साइकिल है टीनेज के लिए। स्टार्टिंग प्राइस कितना? 11500 डिस्काउंट होगा ना, तो 11500 स्टार्टिंग प्राइस है गियर साइकिल टीनेज के लिए, एंड इसमें डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा। एंड ये हीरो का कंपनी है देख सकते हो, एंड डुअल डिस्क मिल जाएगा, फ्रंट सस्पेंशन मिल जाएगा। गियर कितना मिलेगा टोटल? 21.7 रियर में 7, फ्रंट में 3 और 21 स्पीड, हाँ वो देख सकते हो। एंड 2 इयर्स का वारंटी मिलेगा ना, 2 इयर्स का वारंटी मिलेगा। यहाँ पे भी और एक गियर साइकिल, एंड यहाँ पे भी क्वांटिटी मतलब आपको भर भर के क्वांटिटी मिलेगा, एंड इसका टायर वगैरह थोड़ा बड़ा बड़ा है, तो इसका देखते हैं एक बार प्राइस, 16590 रुपीज़ एंड डिस्काउंट हो जाएगा इसमें। ये कौन सा है? प्रीमियम साइकिल, तो ये प्रीमियम साइकिल है यूनी रॉक्स बोल के, 43700। तो ये देख सकते हो यूनी रॉक्स का प्रीमियम, हाइड्रोलिक ब्रेक मिलेगा ना, तो हाइड्रोलिक ब्रेक और डुअल डिस्क मिलेगा, फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा आप लोगों को, सस्पेंशन लॉक दिया हुआ है क्या, तो इसमें सस्पेंशन लॉक भी है देख सकते हो, यूनी रॉक्स का प्रीमियम साइकिल। एंड यहाँ पे भी और एक वेलकोस वेलोस का है ना, ये वेलोस का है, एंड इसका प्राइस कितना आ जाएगा? 33,000, तो 34 ही समझ लो पूरा। तो गाइज ये देख सकते हो, ये थोड़ा यूनिक टाइप का इसका हैंडल वगैरह, मतलब नॉर्मल तो ऐसा रहता है, बट इसका बैंड है थोड़ा, एंड ये रोड बाइक है। एंड इसका टायर देखो, टायर बहुत ही ज़्यादा स्लिम है, तो इसका प्राइस है अभी फ़िलहाल 49,800, एंड इसमें डिस्काउंट वगैरह आ जाएगा। एंड ये प्रीमियम सेगमेंट में है देख सकते हो, इसका नाम क्या है? जेनियो, तो जेनियो नाम है इसका। गाइस यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ये हीरो इलेक्ट्रो ई साइकिल्स है, तो यहाँ पे अवेलेबल है। एंड इसका प्राइस कितना भैया? 29,000 पकड़ लो, तो 29,000 है इसका प्राइस, एंड इसमें डिस्काउंट वगैरह हो जाएगा। एंड इसमें आपको एक मोटर वगैरह मिलेगा, इलेक्ट्रिक साइकिल है। तो बस यहाँ पे देख सकते हो रेड कलर में भी अवेलेबल है, तो जो ऊपर में था आपको ये कलर में भी अवेलेबल मिलेगा। स्पीड कितना होगा मैक्सिमम? 25 किलोमीटर पर आवर होगा, फुल चार्जर 30 किलोमीटर रेंज, फुल चार्जर तो 30 किलोमीटर का रेंज है पर चार्ज का। एंड गाइस इलेक्ट्रिक साइकिल में मतलब ऐसे तो जाएगा एक्सीलेट करने से, बट अगर बैटरी वगैरह ख़त्म हो गया तो यहाँ पे पेडलिंग भी है, तो पेडलिंग वगैरह भी करके जा सकते हो आप लोग। टोटल गियर्स कितना है इसमें? 7 स्पीड, आगे 3,
वन है आगे एंड पीछे सेवन है एंड स्पीड 21 है। सस्पेंशन है, डुअल डिस्क ब्रेक है एंड उसमें तो मतलब एक ही डिस्क था ना। ये उसका अपर मॉडल है क्या? ये अपर 38,999 रुपीज़ इसका, मतलब ये अपर मॉडल है, वो थोड़ा लोअर मॉडल था। तो ये इलेक्ट्रो F1 है, 7 स्पीड वाला, तो देख सकते हो। एंड गाइस यहाँ पे बहुत सारा एसेसरीज वगैरह है, आप लोग ले सकते हो यहाँ पे। अगर आपको साइकिल ऑलरेडी है तो एसेसरीज वगैरह चाहिए तो यहाँ पे ले सकते हो। 1600 से हेलमेट वगैरह स्टार्ट है एंड और भी प्राइस वगैरह अगर आपको कॉस्टली चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो कॉस्टली वगैरह भी है, यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। एंड मतलब स्टार्टिंग प्राइस बोल देता हूँ, हेलमेट का 1600 से स्टार्टिंग है। अगर आपको लॉक वगैरह चाहिए तो लॉक वगैरह देख सकते हो, प्रीमियम क्वालिटी का लॉक वगैरह मिलेगा। सीट कवर है यहाँ पे एंड और भी मतलब ढेर सारा एसेसरीज। अगर लाइट वगैरह चाहिए लाइट वगैरह मिल जाएगा, कवर वगैरह चाहिए बाइक साइकिल का तो कवर वगैरह भी मिल जाएगा। तो बहुत सारा एसेसरीज है, यहाँ पे आके ले सकते हो। एंड लोकेशन वगैरह तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को, तो लोकेशन वगैरह डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। आई होप यू लाइक द ब्लॉग, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे एंड ऑलवेज डी माय एंड फ्लाई। बाय बाय।